सितंबर 7 तारीख से जो कन्याकुमारी से चल रहे। मैं ज़ेबा खान झारखंड जमशेदपुर से, मैं कन्याकुमारी से चल रही हूँ, भारत यात्री हूँ, कश्मीर तक जाना है। मैं मेरठ से हूँ, यूपी से, और मैं 27 अक्टूबर से मक्तल तेलंगाना से जुड़ा। मैं नूरी खान हूँ, उज्जैन मध्य प्रदेश से हूँ, और 7 सितंबर कन्याकुमारी से पैदल चल रही हूँ। मैं आगर मालवा मध्य प्रदेश में जुड़ा था यात्रा से, उसके बाद से मैं लगातार चल रहा हूँ। मैं नवी मुंबई का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र से, और मैं कन्याकुमारी से यात्रा में जुड़ा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ नाजमा खान और इस वक्त मैं हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त शामली से गुजर रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं राहुल गांधी का एक हुजूम आ रहा है, लोगों के हाथ में तिरंगे हैं और एक बहुत बड़ा उनके कार्यकर्ताओं का रेला है। अब जनता को उजागर कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे सामने चुनौतियां हैं, हमारे समाज के सामने चुनौतियां हैं, हमारा लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, संविधान का नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये लंबा समय तक ये जंग चलेगा, ये आंदोलन चलेगा, पर हमने शुरुआत की। जो आज देश का, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे सामाजिक स्थिति हो, चाहे राजनीतिक स्थिति हो, जो एक प्रेम कम हो रहा है, एक नफरत बढ़ रही है, तो और उसकी कॉल मिली कांग्रेस से आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा, तो इस उम्र में मैंने ये सोचा कि कल मुझसे कोई पूछेगा कि तुमने भारत जोड़ो यात्रा में क्या किया, इसलिए मैं घर से निकला। कुछ जितने यहाँ यात्री हैं कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 25 किलोमीटर डेली चलता हो, हम भी वही हैं, और ऊपर से हम लोग प्रोफेशनल, तो हमारे पास तो और भी टाइम नहीं रहता, तो किसी को चलने वलने की आदत बहुत, शायद 1-2% लोगों को होगी तो होगी, वो भी 5-10 किलोमीटर, और प्रोफेशनलों के पास तो और भी टाइम नहीं रहती, हमारे पास भी नहीं थी। लेकिन यात्रा का जज्बा ऐसा था, ऐतिहासिक मोमेंट ऐसा था कि हमको ये यात्रा करनी थी। शायद जब से होश संभाला होगा पहली बार घर से 5 महीने के लिए निकली हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन का सफ़र रहा होगा कि घर से बाहर रहना पड़ा, तो ऐसे में बच्चों की जिम्मेदारी भी थी, घर की भी थी, और जो राजनीतिक क्षेत्र होता है, जो हमारी कर्म भूमि होती है, उसमें भी कई लोग आपसे जुड़े होते हैं, तो 5 महीने के लिए घर छोड़ना आसान नहीं था, ये सफ़र कठिन था, लेकिन ये जो जिस जो उद्देश्य है वो भी बहुत महान उद्देश्य है। इतिहास में पढ़ते थे कि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च निकाली, तो सोचते थे कैसे होता होगा, कितना कठिन होता होगा पैदल चलना, और आज वो काम हम कर रहे हैं कि आपको जानकर खुशी होगी कि इस देश के इतिहास में पहली बार कोई नेता 3,500 किलोमीटर पैदल चल रहा है, और यहाँ पर महिला और पुरुष की बात नहीं, हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। शुरू में हमें लगा नहीं था कि हम इतना चल पाएंगे, शुरू में थोड़े से पैर दर्द और फोड़ों का तकलीफ हुआ पैरों को, लेकिन हम जब राहुल जी को देखते थे तो हमें ऊर्जा आ जाती, और जो लोगों का रिस्पांस मिल रहा था उसकी वजह से हम चल सके इतना। हमारा नेता जितना तेज होता है, हमारा नेता जितना मेहनती होता है, उतना कार्यकर्ता मेहनती बनता है, और राहुल जी का जुनून, राहुल जी की जिद देख के उनके सामने हमें चलने का कुछ थकान आता नहीं। जिस प्रकार का जनता से रेस्पॉन्स मिल रहा है हर प्रदेश में, मतलब जो है ये नहीं कि राजस्थान में गवर्नमेंट है कांग्रेस की तो वहीं मिला, उससे पहले चाहे वो तेलंगाना रहा, महाराष्ट्र रहा, मध्य प्रदेश रहा, चाहे हरियाणा रहा, जो जनता में एक, क्योंकि एक्चुअल ये है जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जनता अपनी बात कहना चाहती थी, लेकिन जनता को कोई लीडर ऐसा नज़र नहीं आ रहा था जिसको बेस बना के वो अपनी बात कहे, वो डरी हुई है। अब उनको एक लीडर दिखाई दिया जो निडर होकर अपनी बात कह रहा है कि नफरत नहीं फैलानी है, प्रेम से रहना है, तो जनता भी कहने लगी। पहले तो हमें डर लगता था कि यह अंधकार से हमें निकालेगा कौन, लेकिन पूरा देश अब को विश्वास जाग गया कि राहुल गांधी आज के युग का गांधी, एक वो गांधी थे जो नमक सत्याग्रह किए थे और अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी, और ये आज के युग का गांधी जो देश को बचाएगा इस फासिस्ट ताकतों से।
संघर्षों का नाम नारी है। एक नारी अपने घर में संघर्ष करती है, अपना पूरा परिवार पालती है और आज देश के लिए निकली है, तो बहुत गौरव की बात ही हम महिलाओं के लिए है कि इस भारत जोड़ो यात्रा में हम सभी महिलाएं, आपको इसके पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी आपको बताया, हमारे जो नेता है जयराम रमेश जी ने भी आपको बताया कि हमारी 118 भारत यात्री हैं, उसमें 40 महिलाएं हो चुकी हैं, 40 महिलाएं हैं, तो ये अपने आप में एक गौरवान्वित होने वाली बात है कि महिलाएं लगातार कश्मीर से, कन्याकुमारी से चल रही हैं, कश्मीर तक जाएंगी और उनका जज्बा और उनका हौसला ये देखने को मिला है हम सभी महिलाओं को। देखिए थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि हम जब अपने घर से निकलते हैं तो सारी सुख सुविधाओं से तो परिपूर्ण नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन परेशानियों को झेलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और जिन भी कठिनाइयों का हमें सामना करना भी पड़ा है तो एक छोटा सा जैसे दर्द होता है ना, वो दर्द की निकल चुका है और एक लगातार 3000 किलोमीटर की यात्रा हम कर चुके हैं तो अपने आप में हम परिपूर्ण हैं। भले ही झारखंड शामिल नहीं था, यानी कि राहुल गांधी वहां से नहीं गुजरे थे, वो उनके रूट में नहीं था, लेकिन झारखंड के कुछ लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली में राहुल गांधी की इस यात्रा से जुड़े हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और ये बहुत ही रंगारंग और कुछ खास लोग हैं और वो कौन है जरा बात करते हैं। हाँ सर बताइए अपने बारे में। ये हम झारखंड प्रदेश रांची जिला से आए हुए हैं और हमारे सर मन नेता बंधु तिर्की जी हैं जो वहाँ कोऑर्डिनेशन मेंबर और पूर्व मंत्री रहे हैं और हमारे दल में 25 आदमी हैं जिसमें 10 जो है हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम टाना भगत में हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ में भारत छोड़ो अभियान में अंग्रेज को बाहर भगाने में हमारा अहम भूमिका रहा है और अभी जो हमारी लड़ाई है ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। ये सारे लोग जो लोग हैं टाना भगत के ताना भगत हैं, महात्मा गांधी का अनुयायी ताना भगत झारखंड गए थे, इनके साथ महात्मा गांधी जी ने आपके वहाँ पर आप आंदोलन किए थे इनके साथ, ये उनके ये लोग अनुयायी हैं, शाकाहारी हैं पूरे देश के प्रति और इस तरह का जहाँ पर विद्वेष होता है, नफरत होता है, इस पर इन लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है लोगों को जोड़ने के लिए। आज उसी का संदेश झारखंड से लेकर के यहाँ पर ये जो भेर जिसको कहते हैं इसको भेर लेकर के आए हैं यहाँ पर। राहुल गांधी की जो यात्रा है आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर इस यात्रा की चर्चा होनी चाहिए थी वैसे ना होकर कभी जूते कभी दाढ़ी कभी टी शर्ट उन पे चर्चा हो रही थी? उसका कारण ये है कि तपस्वी राहुल गांधी चल रहे हैं और भाजपाई जल रहे हैं तो वो बार बार झूठ बोलने अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है, सत्य के आगे वो टिक नहीं पा रहे हैं उनके झूठ और अफवाह, वो सिर्फ इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जनता का अगाध प्रेम, लाखों लाख जनता साथ चल रही है, अपने पलकों पर राहुल गांधी को बिठाए, देश ने देखा है कि राहुल गांधी ही चाहिए इस देश को। राहुल गांधी ने जो काम किया है देखिएगा, दूर दूर से कुछ भी कहते रहे, अब हम 2 महीने से ज़्यादा इनके साथ हैं, जो इनकी सादगी, जो सच्चाई के साथ बोलना, साधारण रूप में अपनी बातों को रखना, लोगों के मुद्दों को बताना, उनकी समस्याओं को सुनना, लंबे चौड़े भाषण ना देना, और अब तक का जो मेरा अनुभव रहा है ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। मैंने हमेशा देखा है कि वो फैक्ट्स बेस्ड बात करते हैं और उसका मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। वो अपने आप को या कांग्रेस पार्टी को किसी भी तौर पर बेचने की बात नहीं करते हैं, वो सेल्स पर्सन नहीं है, वो फैक्ट्स बेस्ड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बात करते हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो ग्राउंड रियलिटी को समझने की बहुत ज़रूरत होती है, फैक्ट्स से यू नो कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत होती है और सोबर, आप इस बात को और भी ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, सोबर अनइमोशनल एनालिसिस करने की भी बहुत ज़रूरत होती है और ये जो मेन फैक्टर्स है वो मुझे राहुल गांधी में भरपूर दिख रहे हैं। या इस यात्रा से जो एक सोच बन रही है हिंदुस्तान के लोगों में, जो एक लोग अपना विचार बदल रहे हैं, जो जागृत हो रहे हैं, तो उसका लाभ तो निश्चित रूप से राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को या देश को मिलेगा क्योंकि हर कोई ये चाह रहा है
कि ये देश तोड़ने वालों से बचाया जाए। मुझे लगता है कि यात्रा का मैसेज जो राहुल जी जो मैसेज लेके निकले हैं नफ़रत के खिलाफ, जो एक ऐसा नहीं है कि इस यात्रा के बाद नफ़रत पूरी ख़त्म हो जाएगी, बट एक जो मैसेज देने का उन्होंने जो प्रयास किया है देश को, वो सक्सेसफुली डिलीवर हो रहा है मुझे लगता है। पहले दिन से यात्रा में समझ में आ गया कि जन सैलाब हमारे साथ है, सत्ता या मीडिया इसको दिखाए या ना दिखाए, समझे तो अच्छे से समझ रहे हैं, उनके पाँव के नीचे की जमीन खिसक रही है, लेकिन उनको समझ में आ चुका है कि हिंदुस्तान की जनता चाहती क्या है। ताकत के बल पे आप सब चीज़ों को दबा सकते हो, लेकिन जो जन का जन सैलाब है उसकी सोच जो है वो राहुल जी के साथ है। ये जो है भारत जोड़ो यात्रा, ये आज़ादी का दूसरा संग्राम है, क्योंकि आज़ादी से पहले जो कंडीशन थे उससे भी बुरे हालात अभी देश के बने हुए हैं। इसमें गरीब पीस रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, और जो विद्वेष है समाज समाज में, झगड़े जो है ज़्यादा हो गए, इसलिए इस समय ये ज़रूरी कदम था। और लोगों का रिस्पांस अगर देखा तो ऐसा लग रहा है जैसा कि लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कोई नेता आए, हमारी बात सुने, और इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ रास्ते पे उमड़ पड़ रही है और राहुल जी को सपोर्ट दे रही है। ये हमारे भविष्य की बात है, हमारे बच्चों की भविष्य की बात है, और हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे नफ़रत, डर और हिंसा में रहे, या खुद पर विश्वास करके प्यार से एक दूसरों से जुड़कर नया कल, बड़ा कल, खुद से बड़ी यू नो लेगेसी बनाए। मुझे सेकंड ऑप्शन ज़्यादा पसंद है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि हम सफल हुए हैं कि नहीं, सफलता हमने हासिल की है कि 111 दिन हम चले हैं, लगातार चले हैं। कई बाधाएं हमारे सामने डाली गई थी केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों की ओर से, खासतौर से बीजेपी शासित प्रदेशों में, पर उसका हमने सामना किया और 111 दिन हम लगातार चले हैं कन्याकुमारी से, तो वो एक सफलता हासिल की। वर्ना एंड डॉन सेंटेंस, राहुल गांधी बोलने की सेंटेंस एक बार भी बोला, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुला रहा हूँ। एक बार नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने वाले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के शामली से खत्म होकर अब वो हरियाणा में दाखिल हो जाएंगे, जिसके बाद उनका जो सफर है वो बहुत थोड़ा सा ही बचेगा। और इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी की यूपी की जो यात्रा थी उसमें लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह दिखा था, लोग बहुत ही मोहब्बत के साथ इस यात्रा में शामिल हुए थे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके का हुजूम और भीड़ दिखाई दे रही है, क्या वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी? शुक्रिया।